In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to e-learning solutions. Today we are going to read the word in a wall part 2 in your new Oxford Modern English 5. Before we start the lesson, you have to subscribe the channel, like it and share with your friends. Summary of the part 1 is there. In part 1, we have read about Gerald Durrell, who was an expert in studying animals. He found a fat female scorpion and its babies in the crumbling wall surrounding his garden. He moved them into a matchbox, carried them inside the house and put them in the drawing room. Unfortunately, his elder brother opened that matchbox to light his cigarettes. Let's start the lesson. Now, I insist to this day, मैं आज भी इस बात पर इसरार करता हूँ that the female scorpion meant no harm, के female scorpion का बिच्छू का नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था. She was nervous, वो confused थी, घबराई हुई थी and a little annoyed और कुछ गुस्से में भी थी at being shut up in a matchbox for so long. क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा देर के लिए मैच बॉक्स में बंद कर दिया गया था, माचिस की डिबिया में बंद कर दिया गया था. एंड सो शी सीज्ड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप. सीज मीन थाम लेना, पकड़ लेना, फ़ायदा उठाना. एस्केप मीन रन अवे. तो इसलिए उसने भाग निकलने के, बच निकलने के पहले ही मौके से फ़ायदा उठाया. शी पुल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स. उसने खुद को बॉक्स से, मैच बॉक्स से बाहर निकाला विद ग्रेट रेपिडिटी, पूरी स्पीड से. हर बेबीज क्लिंगिंग ऑन डेस्परेटली. उसके बेबीज, उसके बच्चे बुरी तरह से उससे चिपके हुए थे, चिमटे हुए थे. एंड स्कटल्ड ऑन टू द बैक ऑफ लैरीज हैंड. और वो लैरी के हाथ की पुश्त पर चढ़ दौड़ी. स्कटल्ड मीन रैन क्विकली, तेज़ी से दौड़ना. देयर वहाँ नॉट क्वाइट सर्टन व्हाट टू डू नेक्स्ट शी पॉज्ड. अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, तो वो रुक गई. हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी. उसका डंग ऊपर खड़ा, सीधा खड़ा हो गया. लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज ग्लैंस्ड डाउन टू सी व्हाट इट वॉज. लैरी ने उसकी हरकत को महसूस करते हुए देखा कि वो क्या था. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, और उसी लम्हे से थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज्ड. चीज़ें कन्फ्यूज हो गई, सब कुछ अबतर हो गया, अफरा तफरी फैल गई. ग्लैंस्ड मेन लुक्ड. ही अटर्ड अ रोर ऑफ फ्राइट. उसने दहशत ज़दा चीख मारी, खौफनाक चीख मारी. दैट ब्रॉट रॉजर आउट फ्रॉम बीनीथ द टेबल बार्किंग वाइल्डली. और उस चीख की वजह से रॉजर भी बुरी तरह भौंकता हुआ मेज के नीचे से बाहर निकल आया. फ्राइट मीन फियर, बीनीथ मीन अंडर. विद अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ को उसने झटका दिया. ही सेंड, झटका देते हुए ही सेंड द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल. और उसने अपने हाथ को झटका देते हुए बेचारी स्कॉर्पियन को, बेचारी बिच्छू को टेबल की तरफ फेंक दिया. एंड शी लैंडेड मिड वे बिटवीन मार्गो एंड लेज़ली. और वो बेचारी मार्गो और लेज़ली के दरमियान में जा पड़ी. स्कैटरिंग बेबीज लाइक कन्फेटी. और अपने उसके बेबी इधर उधर बिखर गए. कन्फेटी मीन स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, कलर्ड पेपर, जिसको आप पार्टी पॉपर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी रंगीन पत्तियों की तरह छोटी छोटी बिखर गए. उसके बेबीज एज शी थम्ड ऑन द क्लॉथ. थम्ड मीन हिट, जैसे ही वो कपड़े के साथ, मेजपोश के साथ टकराई. एंड विद दैट, और इसके साथ ही देर वॉज अ रेपिड चेंज फ्रॉम पीस टू केओस. अमन सुकून माहौल से अफरा तफरी की तरफ एक ये तेज़ी से चेंज आई. थॉरली इन एनरेज्ड एट दिस ट्रीटमेंट
enraged mean chaos mean disorder, अबतरी अफरा तफरी, enraged mean angry, और इस सलूक पर वो बुरी गुस्से में आ गई थी. बिच्छू द क्रीचर स्पेड टूवर्ड्स लेज़ली, वो तेज़ी से लेज़ली की तरफ बढ़ी. हर स्टिंग क्विवरिंग, क्विवरिंग मीन शिवरिंग, कांपना. विद इमोशन, उसका डंक जज्बात से तेज़ी से लरज रहा था. लेज़ली लेप्ट टू हिज फीट, वो उछल कर खड़ा हो गया. लेज़ली उछल कर खड़ा हो गया. ओवरटर्निंग हिज चेयर, उसकी चेयर उलट गई. एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, और उसने अपने नैपकिन को तेज़ी से झटका दिया. सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टूवर्ड्स मार्गो, और स्कॉर्पियन मार्गो की तरफ लुढ़कती हुई चली गई. हु प्रॉम्प्टली मीन इंस्टेंटली, फौरन. लेट आउट अ स्क्रीम, फौरन चीख मारी मार्गो ने. दैट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस, जो कभी जो कोई भी रेलवे इंजन जिस चीख पर, इतनी ज़ोरदार चीख पर फ़ख्र महसूस करता. एक लुक आउट, लुक आउट, देखो देखो, दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं. स्क्रीम्ड मार्गो, मार्गो चिल्लाई. ऑल वी नीड इज़ अ बुक, हमें एक बुक चाहिए. रोड लेज़ली, डोंट पैनिक, लेज़ली चिल्लाया, डोंट पैनिक, घबराओ नहीं. हिट देम विद अ बुक, इन्हें एक बुक से मारो. पैनिक मीन टू बी नर्वस, घबरा जाना, परेशान हो जाना. मदर कम्प्लीटली बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड मीन कन्फ्यूज्ड. मदर जो पूरी तरह से घबरा गई थी बाय दिस सडन चेंज एंड रैपिड चेंज, इस तेज़ी से चेंज होने पर सिचुएशन को, कि चेंज होने पर फ्रॉम पीस टू क्योस, अमन सुकून से अफरा तफरी की तरफ. पुट ऑन हर ग्लासेस, उन्होंने अपने ग्लासेस पहने. एंड पीयर डाउन द टेबल, और ये देख टू सी व्हाट वाज कॉजिंग द पेंडिमोनियम, वो ये देखने के लिए उन्होंने कि किस चीज़ की वजह से ये सब हंगामा हो रहा था. एंड एट दैट मोमेंट, और उसी लम्हे मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट, मार्गो ने एक नाकाम कोशिश की टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस, स्कॉर्पियन को बढ़ने से रोकने के लिए एक नाकाम कोशिश की. पेंडिमोनियम मीन नॉइजी डिस्टर्बेंस, नॉइजी डिसऑर्डर. हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, उसने, मार्गो ने उसके जानवर की तरफ पानी का ग्लास फेंका. द शॉवर ऑफ वाटर, मिस द एनिमल कम्प्लीटली, जिससे जानवर तो बच निकला. बट सक्सेसफुली सोक्ड मदर, लेकिन उसने पानी ने मदर को पूरी तरह भिगो दिया. हु नॉट बींग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, जो कि पानी का ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रेथ, उन्होंने सांस खो दिया. एंड सैट गैस्पिंग, और हाँपने लगी. एट द एंड ऑफ द टेबल, हाँपती हुई टेबल के एक सिरे पर बैठ गई. अनएबल टू प्रोटेस्ट इवन, और वो एहतजाज भी ना कर सकी. गेट अ नाइफ, एक चाकू लाओ. हिट देम विद अ बुक, उन्हें बुक से मारो. शाउटेड लैरी, लैरी चिल्लाया. दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, ये लड़का तो हम सबको मार डालेगा. बाह, लुक एट द टेबल, टेबल की तरफ देखो. नी डीप इन स्कॉर्पियंस, ये तो बिच्छुओं से भरी हुई है, भरी पड़ी है. किल देम, इन्हें मार डालो. ओ नो, डोंट हर्ट देम, इन्हें ना मारो, इन्हें नुकसान ना पहुँचाओ. आई कैच देम, मैं इन्हें पकड़ लूँगा. आई प्लीडेड, मैं दरख्वास्त करता रहा, मैं गिड़गिड़ाता रहा. अनटिल आखिरकार, इवेंचुअली, यहाँ तक के आखिरकार. बैक्ड अप बाय मदर्स, बाय मदर, मदर की सजेशन, लेज़ली की तजवीज़, दैट द होल लॉट बी किल्ड वॉज क्वाश्ड, कि सबको मार डालो, सबको उन्हें मार डालने की लेज़ली की तजवीज़ रिजेक्ट कर दी गई, रद्द कर दी गई. By the time a certain amount of order had been restored, उस वक्त तक कुछ अमन बहाल हो गया था. All the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery. तमाम baby scorpions ने खुद को मुख्तलिफ plates के नीचे और छुरी कांटे चम्मच के नीचे छुपा लिया था. The results of this incident were numerous. इस वाक़े के कई नतायज बरामद हुए.
कई नतज निकले. वॉइल द फैमिली, जबकि फैमिली स्टिल फियरिंग फीलिंग एंग्री एंड फ्राइटेंड, जो कि अभी तक गुस्से में थे और खौफजदा भी थे, मूव टू द सिटिंग रूम, वो ड्राइंग रूम में चले गए, वो सिटिंग रूम में चले गए. आई स्पेंट हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज़, मुझे बेबीज़ को कलेक्ट करने में आधा घंटा लगा. पिकिंग देम अप इन अ टी स्पून, मैं उन्हें एक टी स्पून में उठाता, चम्मच में, चाय के चम्मच में उठाता. न्यूमरस मीन मैनी. एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बैक, और फिर उनको मैं वापस उनकी माँ की कमर पर रख देता. देन और फिर आई कैरिड देम आउटसाइड ऑन अ सॉसर, मैं उनको एक तश्तरी में बाहर ले गया. एंड और फिर अनविलिंग रिलक्टेंटली अनविलिंगली, यानी मैं ना चाहते हुए भी रिलीज देम, उनको फ्री कर दिया, उनको आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया ऑन द गार्डन वॉल, बाकी दीवार पर. रॉजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड, मैंने और रॉजर ने वो सुपहर हिल साइड पर गुजारी, फॉर पहाड़ी पर गुजारी. फॉर आई फेल्ट, क्योंकि मैंने महसूस किया, इट वुड बी वाइज, क्योंकि यही अकलमंदी थी, यही बेहतर था, टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक, के फैमिली को कुछ वक्फा दिया जाए, कुछ टाइम दिया जाए, बिफोर सीइंग देम अगेन, इससे पहले कि मैं दोबारा उनके सामने जाऊं. लैरी डिवेलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस, लैरी ने को के दिल में माचिस की डिबिया के बारे में डर बैठ गया. बट लेकिन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नुक्ते नज़र में, मेरे ख्याल में, द वर्स्ट रिपरकशन मीन रिजल्ट, सबसे बुरा रिजल्ट ऑफ द होल अफेयर, इस वाक़े का ये निकला, वॉज दैट मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड, के मदर ने डिसाइड किया कि वो मुझे मज़ीद जानवरों की दुनिया में दिलचस्पी लेने नहीं लेने देंगी. यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, तुम फिर काबू से बाहर हो रहे हो. इट इज़ हाई टाइम, अभी मुनासिब वक्त है. यू रिसीव्ड अ लिटल मोर एजुकेशन, कि तुम मज़ीद तालीम हासिल करो. शी सेड आई एम गेटिंग यू अ ट्यूटर, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का बंदोबस्त कर रही हूँ. थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.